मेरा नाम शिवानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग, मैं फिर से आ गई एक इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। और ये ब्लॉग मैं अभी रात को स्टार्ट कर रही हूँ, अभी टाइम हो गया है 12 o'clock, आप लोग देख सकते हैं। सो सारे काम करते करते मुझे रात हो गई। यूजुअली मुझे इतना ही टाइम हो जाता है, दिन में मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। सो रात को मैं अपने सारे काम फिनिश करके ही सोती हूँ ताकि मैं अपना दिन फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ। और आज बहुत ही बिजी थी क्योंकि बहुत सारी प्रिपरेशन चल रही थी, क्योंकि कल मेरे घर में कोई आने वाला है। सो मैं आगे आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी कि कौन आने वाला है, और ये ब्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी इंटरेस्टिंग से ब्लॉग लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। क्योंकि इस चैनल पे मैं काफी सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग लाती रहती हूँ, अनबॉक्सिंग से रिलेटेड, वेकेशन ट्रैवल, इस सबसे रिलेटेड, एंड यस डेली लाइफस्टाइल जो भी है वो सारे ब्लॉग में लाती रहती हूँ। सो आप लोग बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि जो भी मैं नया व्लॉग लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए गाइस, बातें बहुत हो गई और अभी मेरा मॉपिंग का काम बचा है, बाकी तो मैंने सारे कर लिए। सो अभी मैं जाके मॉपिंग करती हूँ एंड देन उसके बाद जाके सो जाती हूँ, क्योंकि बहुत रात हो गई और मैं बहुत ज्यादा टायर्ड भी हो गई हूँ। कल मॉर्निंग में उठना है जल्दी और मैं बताऊंगी आपको कि कौन आने वाला है। सो स्टे ट्यून टू द व्लॉग। गाइज, हम मदर्स के लाइफ में सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट होता है, हमें क्लीनिंग भी करनी रहती है, सारे काम हमें ऐसे मैनेज करने रहते हैं, और स्पेशली ऐसे कंट्रीज में जहाँ बिल्कुल भी हाउस हेल्प ना हो। गुड मॉर्निंग गाइज, आई एम बैक। और मैंने जैसे कि आप लोगों को कल बताया था कि मेरे घर में कोई आने वाला है, सो यस मेरी सिस्टर है वो अभी आ गई है, एंड मीनवाइल शी इज गेटिंग फ्रेशन अप। तो मैंने जो भी चीज़ें बना ली हैं और अभी ये स्मूदी बनाना बाकी है, और ये एक हेल्दी स्मूदी है। सो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ क्विकली शेयर कर देती हूँ। इसमें मैंने आलमंड मिल्क ऐड किया है एंड रेगुलर मिल्क ऐड किया है, एंड विथ सम बनानाज एंड ब्लूबेरी, एंड देन उसके बाद जो भी नट्स हैं वो मैंने डाल दिए हैं, एंड शुगर मैंने ऐड नहीं की क्योंकि फ्रूट्स की एंड मिल्क की अपनी स्वीटनेस होती है, सो आई अवॉइड शुगर। एंड ये पीनट बटर है ये मैंने ऐड किया, इससे भी थोड़ा मीठा हो जाता है। सो अभी मैं क्विकली इसे बना लूंगी एंड जस्ट इसको ब्लेंडर में जाके इसमें प्योरी फॉर्म में बना देना है, एंड इट विल बी रेडी। मेरी हेल्दी येट डिलीशियस एंड यम्मी सी स्मूदी बन के रेडी है, एंड इसको बनाना बहुत इजी है। अगर आप ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं बना रहे हो एंड जस्ट इसे बना के पी लो, सो इट्स रियली टमी फिलर। सो गाइस, अभी हम लोग ने ब्रंच कर लिया, और ब्रंच करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ डुगू के साथ खेलने के लिए। जब वो बॉर्न हुआ था तब मैं उससे मिली थी, सो इट्स बीन 3 months में उसे नहीं मिल पाई, और वो काफी बड़ा हो गया है। बच्चे बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता है। सो अभी मैं आराम से उसके साथ खेलूंगी, वो 3-4 दिन हमारे साथ रहेगा तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो और ट्रैवल करके आया इसलिए भी थोड़ा सा टायर्ड है, सो थोड़ी देर में सोने चला जाएगा। सो मैंने सोचा मेरे पास अभी टाइम है तो ये मैं टाइम यूटिलाइज कर लेती हूँ और उसके साथ खेल लेती हूँ। क्योंकि आने से तो लग रहा है घर में रौनक ही आ गई है, हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। और इस तरह से अगर आप कंट्री से बाहर रहते हैं एंड कोई भी फैमिली मेंबर आपसे मिलने आ जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग ओनली। आई होप आप लोगों को मेरा अभी तक का व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना। सो गाइस, डुगू अभी सोने के लिए चला गया है, तो समर का एक पुराना टॉय रखा है जो वो आउटग्रो हो गया है। सो मैंने सोचा लगा देती हूँ, डुगू खेलेगा उसको अच्छा लगेगा। बट डुगू तो अभी नहीं खेल रहा है, उसकी जगह शानवी लेट गई है, उसको तो कुछ भी हो जाए बस छोटे बच्चों के टॉय से खेलना ही है। मूविंग ऑन टू डिनर, आज मैंने डिनर में वेजिटेबल हक्का नूडल बनाया विद सम ग्रेवी चिली पनीर, और आज कुछ डिफरेंट खाने का मूड था सो मैंने सोचा कि नूडल बनाती हूँ। काफी दिनों से मैंने नूडल नहीं बनाया, सो मैंने फटाफट से इसे बना लिया, टाइम भी ज्यादा नहीं लगता है, और क्विकली मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। सो अभी हम लोग अपना डिनर एंजॉय करेंगे एंड फिर कल मिलते हैं। व्हाट आर यू ईटिंग शानवी? नूडल्स। नूडल्स, हाउ इट इज? गुड, इट्स चिली पनीर। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है सैटरडे और आज बहुत ही ब्यूटीफुल सा डे है, और सीधे हमने ब्रंच बनाया क्योंकि सोके उठने में लेट हो गया था, और मैंने आलू एंड पनीर के स्टफ पराठे बनाए हैं जिसको मैंने केचप के साथ सर्व किया है, और ढोकले बनाए हैं। मेरी सिस्टर को मेरे हाथ के ढोकले बहुत ज़्यादा पसंद हैं, सो मैंने सोचा मैं बनाती हूँ, उससे काफ़ी अच्छा लगेगा। सो गाइज, अभी हम लोग अपना ब्रंच करेंगे अंदर, उसके बाद अभी हम लोग आ गए हैं वॉक करने के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आज बहुत ही अच्छा दिन है, सनी सा है, और जो ठंड की हल्की हल्की धूप होती है ना
वैसा लग रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड डुकू भी अभी जग रहा था, अच्छे से मूड में था, तो हम उसे भी लेकर आए हैं। एंड उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं लिया था, मैं गाइस थोड़ा बिजी हो गई थी अपनी सिस्टर से बात करने में। और उसके बाद अभी इवनिंग स्नैक का टाइम हो गया है, सो अभी मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह कट कर दिए। और ये देखिए अभी शाम को ही ना ऐसे अंधेरा होने लगता है। एंड गाइज़ ये एक चॉकलेट है एलमंड रो का, ये मेरे हस्बैंड सिएटल से लाए हैं और ये बहुत ही अच्छी रहती है। सो अगर आप लोग यूएस में रहते हैं तो ये वाली चॉकलेट ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी है। गुड इवनिंग, और अभी शाम का टाइम हो गया है। मॉर्निंग से ही हमारा डे थोड़ा सा स्लो था, एंसेस्टर के साथ बातें करने में दिन का पता ही नहीं चला। और अभी शाम हो गई है, हम लोग निकले हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू वन ऑफ अंकल्स प्लेस, सो वहां पे मिलते हैं। एंड देखिए आज शानवी की कार सीट एम्प्टी है, वो नहीं है, वो आप लोगों को खाली दिख रही होगी बिकॉज शी हैव हर ओन प्लान, सो वो वहां पे बिजी है, उसको ड्रॉप कर दिया है मैंने अपनी फ्रेंड के घर पे। एंड हम लोग जा रहे हैं, समर हमारे साथ है, पीछे से आवाजें आप लोगों को सुनाई दे रही होंगी। सो चलिए चलते हैं। और आज मैंने पानी पूरी बनाई है, सो हम लोग आके वो पानी पूरी खाने वाले हैं। सो अभी के लिए हम लोग चलते हैं अपने चाचा के। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं एंड माय सिस्टर ऑलरेडी रीच्ड। एंड काफ़ी ज़्यादा फैमिली टाइम होने वाला है, शानवी होती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, वो बहुत ज़्यादा एंटरटेन करती है, सबका अटेंशन हमेशा अपनी तरफ करने के लिए ट्राई करती रहती है। एंड ये जो मेरे चाचा हैं ये मेरे पापा के छोटे भाई हैं और हमारे घर के पास ही रहते हैं, सो हम इनसे मिलने आते रहते हैं, बट मैंने व्लॉग में आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं किया है। हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, सो चलिए गाइस बिना लेट किए हुए हम फटाफट से अंदर चलते हैं, सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। सो अभी स्नैक्स का टाइम हो गया है और सभी लोग हमारा ही वेट कर रहे थे, और मेरी चाची भी नहीं है, वो भी इंडिया गई हुई हैं, फिर भी मेरे चाचा ने सब कुछ इतने अच्छे से किया है, स्पेशली इसका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है, सो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। एंड ये है आज हमारा डिनर, सो सब कुछ मेरे चाचा ने बनाया है, कढ़ी राइस बनाई है और उसके साथ छोले भटूरे, सब कुछ इतना ज़्यादा यमी बना है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलिए गाइस मैं बातें बाद में करती हूँ, पहले अपना डिनर इन्जॉय कर लेते हैं। आजकल ना समर को ग्लास से पानी पीने का शौक चढ़ा है, वो सिपिक कप बिल्कुल भी यूज नहीं करता है, क्या आप लोगों के बच्चे भी ऐसा करते हैं? गुड आफ्टरनून गाइस, आज है संडे और आज बहुत ही ब्यूटीफुल सा डे है। एंड ये क्लिप अराउंड आफ्टरनून का है, अभी सारे काम फिनिश हो गए हैं, सो मैं आ गई हूँ डुगू के साथ खेलने के लिए। और डुगू बहुत ही अच्छे मूड में है, और बच्चे अगर अच्छे मूड में हो ना सो उनसे बातें करने में बहुत मजा आता है, उन्हें भी अच्छा लगता है और हमें तो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, मुझे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है। और मैंने सोचा कि मैं ये मोमेंट आप लोगों के साथ भी कैप्चर करती हूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। एंड वो अभी 3 मंथ्स का है, 3 मंथ्स के बच्चे ना सब कुछ पहचानने लगते हैं, ऑब्जर्व करते हैं काफ़ी, तो उन्हें इंटरेक्ट करने में अच्छा लगता है, उनका मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। एंड गाइज मूविंग ऑन टू डिनर, आज हम डिनर में बारबेक्यू कर रहे हैं और ये सारा मैरिनेट वगैरह मैंने मॉर्निंग में ही कर दिया था ताकि अच्छे से हो जाए, और हम वेजिटेरियन लोग हैं सो वेजीज वगैरह ही करते हैं। एंड दिस इज आवर बारबेक्यू गाय टुडे, अच्छे से होना चाहिए राइट? एकदम अच्छे से 100%। बर्न हो रहा है? नो। ओके, लास्ट टाइम तो आपने हमें बर्न वाले खिलाए थे राइट? ओके गुड। सो गाइज हमारा गर्मा गर्म बारबेक्यू रेडी है और उसके साथ मैंने पानी पूरी भी निकाली है, क्योंकि पानी पूरी मैंने कल बनाई थी बट कल हमें चाचा के यहाँ से आने में बहुत लेट हो गया था, सो कल हमने नहीं खाई थी, सो आज मैंने उसको बारबेक्यू के साथ निकाली और उसके साथ ही अच्छा कॉम्बिनेशन भी लगता है। सो अभी हम लोग इसे इंजॉय करेंगे एंड देन उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। कुछ बटा भी नहीं। ओके एंड बच्चे
बच्चे ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इसलिए मैंने जस्ट अभी एक ही गिफ्ट दिया है, बाकी सारे गिफ्ट मैं धीरे धीरे करके उसे देती हूँ, अदरवाइज वो खेलती ही नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है मंडे और आज का डे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। एक तो वेदर बहुत अच्छा है और मेरी सिस्टर भी है, एंड सेकेंडली मेरा पैकेज आया है इंडिया से, आप लोग देख सकते हैं, स्ट्रेट अवे फ्रॉम बॉम्बे। एंड आज का दिन मेरा बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि ऑफकोर्स इतना बड़ा पैकेज आया है। सो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आगे आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया सो ये व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके लिए मैं एक सेपरेट व्लॉग लेकर आऊंगी। और वेदर काफी अच्छा है तो मैं इसके बाद वॉक पे जाने वाली हूँ। एंड बाहर निकली तो देखा ये पैकेज है, एंड ये पैकेज 2 घंटे से ही बाहर पड़ा है, मुझे पता ही नहीं था। सो चलिए मैं इसे फटाफट से अंदर रख लेती हूँ, क्योंकि अभी लंच का भी टाइम हो गया है, मुझे लंच भी बनाना है। सो बातें बहुत हो गई, चलिए चलते हैं और मैं इसे अंदर रख लेती हूँ, एंड देन उसके बाद वॉक पे चलते हैं। सो गाइस ये लगता है बहुत ही ज्यादा हैवी है, मुझसे अंदर नहीं जाएगा। सो क्या आप इसे अंदर रख देंगे? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। सो गाइज अभी लंच करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ डुगू के साथ खेलने के लिए, क्योंकि आज वो चला जाएगा। सो अभी मुझे जितना से ज्यादा टाइम मिलेगा मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, क्योंकि फिर पता नहीं कब मिलना होगा। बच्चों के साथ खेलने बैठो ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। राइट डुगू, डुगू को टाइम का पता चलता है? डुगू को टाइम का पता चलता नहीं ना? सो गाइज मेरी गर्मा गर्म पूनिया बनके रेडी है, और आज लंच में मैंने पम्पकिन की सब्जी बनाई थी, सो इसे मैं पम्पकिन की सब्जी के साथ खाने वाली हूँ। हमारे यहाँ ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा फेमस है। और आज मैं टैको भी बनाने वाली हूँ, एंड ये सालसा मैं यूज करने वाली हूँ, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मैंने कॉस्को से लिया है। सो चलिए गाइज जल्दी से मैं असेंबल कर लेती हूँ, एंड देन डिनर के बाद मिलते हैं। बाय बाय। सो फ्रेंड्स फाइनली वो मोमेंट आ गया जब मेरी सिस्टर जा रही है, और ये मोमेंट ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी कोई जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इन ना सेम वे जब कोई भी गेस्ट घर पे आ रहे हो, कोई भी आ रहा हो ना, तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना एक्साइटमेंट रहता है, और जब जा रहा होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बस मनो कि ना ही जाए, बट जाना तो पड़ता ही है। और जाते जाते इतना ज़्यादा रेन हो रहा था ना कि हम लोगों को अम्ब्रेला लेके सी ऑफ करना पड़ा। सो हम लोग अम्ब्रेला लेके आए थे ताकि सब लोग भीग ना जाएं, क्योंकि ट्रैवल करना है ऑफकोर्स। मेरी सिस्टर चली गई और आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रेन हो रहा है, बहुत जोरों से हो रहा है, तो मुझे अम्ब्रेला लेके बाहर आना पड़ा। और तो अभी चलते हैं, और मैं थोड़ा बेड भी हो गई हूँ, तो अभी मुझे कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे, एंड अगर ऐसे कोई चला जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है, बट जो आया है वो तो जाएगा ही। तो चलिए चलते हैं और अपने बाकी के काम करते हैं, और आई होप करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा, ये पूरा फैमिली ब्लॉग था, हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत मज़ा आया, एंड आपको भी मज़ा आया हो तो लाइक करिएगा, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो फिर मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मासी एंड मासू वैन, इसीलिए सैड लग रहा है? ओ दे विल कम अगेन बेटा, ओके।